नहीं पूछनी, 5 दिन का समय लिया और ये बच्चे आप आपकी स्थिति में यहाँ से आ गए, हमें भी पता नहीं था, 2 घंटे पहले पता लगा, हम भी आए यहाँ से, कोई ऐसी बात नहीं, इधर जाके जो तय होगी बातचीत, हम चाह रहे बच्चे कोई ऐसा कदम ना उठाए, मान सम्मान की बात है, बच्चों का दिमाग भी ऐसा ही हो रहा। कुछ ना कुछ नहीं, हाँ ना सही कहे हैं, हाँ हाँ सही, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक ही बोलेंगे, ठीक बोलेंगे, बेटी का भरा होना बिल्कुल क्या होगा, मैं नहीं बोलूँगा, सब देखो तो क्यों होगे, तेरा भाई अगर क्रांति भी होगी तो क्रांति करेंगे भाई, हाँ सही बात भाई, सही बात, सही बात मलिक साहब, सही बात है, बहुत सहन कर लिया, बहुत सहन हो लिया, बहुत ज्यादा सहन ना हो भाई, अब 5 दिन का आखिरी गेम है भाई, 5 दिन का हुआ, 5 से 10 ना हो डिसीजन, 5 दिन का गेम है, बस आज ही लियो डिसीजन, 5 दिन का ही गेम है, बस और नहीं दिया जाएगा, यो कौन सा मैं हमने खिलाड़ियों की हुई कहा पर बहादुर होता हूँ, हमारी बहादुर बेटिया है, इस तरह का कोई कदम ना उठा, बड़ी मेहनत है पदक जीत कर ले रखे, भारत का सम्मान है, भारत का अनुभव है, और ऐसा कोई कदम ना उठावे तो वे हमारी बात मानेगी, और इंडिया जो कुछ भी बात है क्या होगी, उनके साथ अन्याय हो रहा, क्या हम तो बच्चे जी, आपको मेडल सौंपे गए हैं, अब किस तरह आप उनकी हिफाजत करेंगे और क्या आपकी बात, तो बता हिफाजत मारी मारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में जाजती हो रही, वे दिल्ली के जंतर मंतर बैठे, जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत निबर्दाश्त करने का, पूरे भारत में रोष है आज, जिस तरह था वो खींच खींच के वहां से वो उठो, एक आदमी को बचाने के लिए, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई, क्या होगा इसे आगे की कार्य योजना क्या रहेगी, मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम, देखो ये होगी बातचीत, बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी, नहीं सब बैठक तो होगी, ऐसा हम चुप थोड़ा ही बैठेंगे, कब तक होगी बैठक, कब तक होगी, 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर अंदर हो गए, अच्छा सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी बैठक, नहीं सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर्व जाति है कोई एक बिरादरी के लिए, आपने एक बात की है बेटियों का संग नहीं झुकने देंगे, नहीं ऐसा सर क्यों झुकन देंगे, उन्होंने तो इस देश का सर ऊंचा गर्व तो ऊंचा कर रखा, कितनी बेकार दुर्दशा है, फिलहाल बेटियों को धुलने पर बैठने पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सरकार के अंदर, 10 मिनट वो तो आप लोग देख सको क्यों बैठी हुए धरने पर, मतलब
एक शांति के तरीके से धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीतरी होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की वह हुई बातचीत, बड़ी शर्म की बात। बेटियों को क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? क्या आश्वासन? कोई आश्वासन ऐसा, हमारी हमारी बेटियां है, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है, उनका सर हम झुकने नहीं देंगे, और जहां तक भी लड़ाई होगी चाहे हम अपनी कोई नहीं आया। और आप आज ये जैसे 12 बजे ट्वीट किया था साक्षी ने, विनेश ने, बजरंग जी, 6:30 बजे तक सब आ गए थे, 7 इतनी देर तक अब ये लोग यहाँ पर बैठे थे, रो रहे थे, परेशान थे, क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें ट्वीट का पता 2 घंटे पहले पता लगा। हमें तो 2 ही घंटे पहले पता लगा, हम तो खेत में थे, चोर साहब भी अपने काम धंधे में थे, एकदम पता लगा या आपात स्थिति हम यहाँ से गए, मगर कोई ऐसा कदम ना उठ जा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की भी सबकी जिम्मेदारी है, इन्होंने तो इस देश का नाश का ठेका ले लिया। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? देखो जब सुलाम उस पर होगी, क्योंकि इन लोगों ने ये भी तो कहा था कि इंडिया गेट पे अमरन अनशन करेंगे ये लोग। भाई एक तो बताओ, हमें जिम्मेदार, अनशन की भावना होगी तो अनशन कराया जाएगा सम्मानित, ये तो हमें जिम्मेदार से है, आशी जो बुजुर्ग है, कोई नहीं। बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, बुजुर्गों की राय क्या है इस वक्त? भाई हमने तो यहाँ से उठाए बच्चे आते हैं, वहाँ देखा, हमारी राय यह है, इस देश का गौरव है, इस देश की इज्जत है, मान सम्मान की बात है, अगर मान सम्मान को, ये सभी का बहु बेटी है, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करें, इसमें कुछ ना कुछ निर्णय जो साहब लेंगे समाज के द्वारा, कल आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी सोरम में, उसमें जो भी निर्णय होगा वो संतोषजनक होगा, 5 दिन का समय जो साहब ने लिया उसे पूरा कराया जाएगा। Thank you.